क्या आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के हिसाब से नंबर वन पर आता है हावड़ा स्टेशन, और इसमें 23 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और यह भारत का सबसे बिजीएस्ट प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म में रोज 10 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। और सेकेंड नंबर पर आता है सियालदह रेलवे स्टेशन, जहाँ टोटल 20 प्लेटफॉर्म है, जो हावड़ा स्टेशन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और थर्ड नंबर पर आता है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और यहाँ पर टोटल 18 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। फोर्थ नंबर पर प्लेटफॉर्म की रैंकिंग के हिसाब से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है, इसमें टोटल 16 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रेन पास होने के मामले में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन नंबर वन पर आता है। सबसे ज़्यादा ट्रेन यहीं से पास होती हैं, और इस प्लेटफॉर्म से करीब 5 लाख लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। और पाँचवें नंबर पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है, यहाँ टोटल 15 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। तो ये थे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के हिसाब से इंडिया के 5 बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके अलावा लंबाई के मामले में जो नंबर वन पर आता है वह है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन, जो सबसे लंबा है पूरे भारत में। इसकी लंबाई 4483 फीट यानी करीब 1.3 किलोमीटर, मतलब खुद रेलवे स्टेशन ही 1.3 किलोमीटर लंबा है। और अगर पूरे धरती की बात की जाए तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क अमेरिका सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म के मामले में, और यहाँ टोटल 44 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, जो पूरे धरती पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और एक फैक्ट और है रेलवेज का कि इंडिया की जितनी भी रेलवे लाइंस हैं, अगर उनको एक के बाद एक ज्वाइंट किया जाए तो ये पूरे धरती को 1.5 टाइम बार घेर लेंगी। इतना कॉम्प्लेक्स रेलवे लाइन फैला हुआ है, और इंडिया में लगभग 25 मिलियन से ज़्यादा लोग डेली ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा? और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हैप्पी जर्नी एंड गुड बाय एंड टेक केयर।